अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं माया होम विद किचन। तो आज मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई, 1 कप दही, करछुआ हुआ धनिया, एक लंबा अदरक लिया, इसे लंबा लंबा काट लिया, बारीक हरी मिर्ची कटी हुई, साबुत हरी मिर्ची 2 अदद, 1/2 कप ऑयल, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 kg चिकन, भुना कुटा धनिया, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, मिल्क पैक क्रीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है। ऑयल डालेंगे, ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह निकाल लेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर से हिलाएंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा चिपके ना। सब मिक्स हो रहा है, अगर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाया सही से पकाया नहीं तो इसमें से हीक आएगी अदरक लहसुन के पेस्ट की। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा ब्राउन हो गया है, हम इसमें डालेंगे चिकन, हिलाएंगे, फिर से मिक्स करेंगे इसे। मुर्गी को जब तक पकाएंगे जब तक इसका पिंकपन हट जाए और गोल्डन कलर की हो जाए, ढक्कन ढक देंगे ताकि हमारी मुर्गी गल जाए मीडियम लो फ्लेम में। ढक्कन को हटाएंगे, पानी हमारा खुशक हो गया, देखिए हमारा तेल ऊपर आ गया है, इसे हिलाएंगे। देखिए मुर्गी हमारी कितनी अच्छी फ्राई हो गई है। हम इसमें डालेंगे दही, मिलाएंगे, दही और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर, धनिया करछुआ हुआ, ब्लैक पेपर, अच्छे से मिक्स करेंगे।
फिर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम नमक डालेंगे। अब ढक्कन ढक देंगे ताकि हमारा पानी कुछ कुछ है, हटाएंगे। नमक डालेंगे और साबुत हरी मिर्च डालेंगे। मिक्स कर देंगे। अच्छा, जो हमने कटी हुई हरी मिर्च और धनिया और अदरक को काटा था ना, वो हमने गार्निश के लिए रख दिए हैं। रख देंगे बिल्कुल हल्के आँच पे, उनको हटाएंगे। ठीक है, मुर्गी भी हमारी गल गई है, पानी भी खुशक हो गया है, ये तेल हमारा ऊपर आ गया है। अच्छा, अब हम क्रीम को निकाल लेंगे बॉल में। थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। चल स्टॉप कर। देखिए क्रीम हमारी अच्छे से फेंट गई है, हम डाल देंगे इसको। मिक्स करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये बिल्कुल फ्री है, कितना अच्छा कलर आया है हमारी वाइट कढ़ाई का। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। देखें, वाइट कढ़ाई हमारी तैयार है।